Good morning. I am Ritesh, standing in front of you from Jammu region to present my model on the topic future transport and communication. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे इंडिया में एनर्जी की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. उसके लिए हमने ये सोल्यूशन लाया है जिसका नाम है प्रेशर पावर हाउस. ये सोल्यूशन क्या है, इसमें हम गाड़ियों के चलने से होने वाले प्रेशर, जो उनका प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं, उसे यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. वो कैसे, जैसे ही ये गाड़ी यहाँ से मूव करेगी ये टर्बाइन घूमेगा, तो जैसे ही गाड़ी आगे चल जाएगी ये टर्बाइन ऑफ हो जाएगा. ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर के अंदर लगे हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स. वो सेंसर्स क्या काम करेंगे कि जो प्रेशर है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे. उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को एसी में होगा, उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, और उस जो हमारे पास डीसी करंट है उसे स्टोर कर देंगे एक डीसी रिचार्जेबल बैटरी और सिंपल बैटरी में. वो स्टोर करंट जब स्टोर हो जाएगा एक बैटरी में, फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए हम उस करंट को सप्लाई कर देंगे टू द होम्स एंड फॉर लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. दूसरा ये है हमारा हाइड्रोलिक ब्रिज. ये पास्कल के लॉ पे बेस्ड है. इसमें ये है कि अगर हम एक स्मॉल एरिया से एक प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा विद इन द फ्लूड, बट जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी. मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा होगा तो जो फोर्स होगी, जो एग्जर्ट होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा. ये किसमें हेल्प करेगा, ये इनलैंड वाटर ब्रिज में हेल्प करेगा कि जब शिप्स जो कि पोर्ट पे आके रुक जाती हैं, जो कार्गो शिप्स हैं जो पोर्ट पे आके रुक जाती हैं, पोर्ट से थ्रू रिवर्स, जो पोर्ट रिवर जो सी पे फॉल करती है, वहाँ पोर्ट से स्मॉल शिप्स में उस कार्गो जो उनका लोड्स हैं गुड्स को लेके आके रिवर्स के थ्रू हम सिटीज में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी और चीप हो सकती है. तीसरा जो है कि अगर हमें इसी प्रोजेक्ट को, इसी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट को अगर हमें हिली एरिया में, जैसे कि हमारा जम्मू एक हिली एरिया है, उस टाइप से अगर हमें इसी हिली एरिया में अप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ जब हम इसे हिली एरिया में लगाएंगे तो हिली एरियाज में जो हिल्स होंगी उनके ऊपर हम कुछ कंटेनर लगाएंगे, और उन कंटेनर में जैसी रेन होगी वो सारा वाटर उसमें फिल हो जाएगा. वो वाटर फिर स्मॉल पाइप्स के थ्रू इस कंटेनर में आ जाएगा. ये एक लार्ज कंटेनर होगा, इसमें वो पानी आ जाएगा और इससे वो पानी नीचे प्रेशर के साथ गिरेगा, जिसके कारण यहाँ पर रहेगा हुआ टर्बाइन घूमना स्टार्ट कर देगा. उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो इस घर इस जो कॉलोनी है यहाँ पे स्मॉल स्केल में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स को पूरी कर सकती है. और इन केस ऑफ एमरजेंसी, जब कोई एमरजेंसी होगी तो हम उसी मोटर का यूज कर सकते हैं घरों में सप्लाई करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है. इससे मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम एक स्मॉल स्केल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको स्मॉल स्केल में ही यूटिलाइज कर सकते हैं. थैंक यू.